Good morning, students. Welcome back to LearnEc. Today in the share capital chapter, we will start with a new topic, that is calls in arrears and calls in advance. है तो ये छोटा सा टॉपिक बचे, लेकिन इसकी जनरल एंट्रीज हमें आ जाती हैं कई बार पेपर में 3 मार्क्स के लिए. सो वी शुड नो कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर्स एंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ कॉल्स इन एडवांस. So if we start with calls in arrears first, calls in arrears क्या होता है बच्चे, which is outstanding, है ना, कि हमने चीज ड्यू हुई लेकिन पे नहीं की. जैसे हम कहते हैं कि मंथली रेंट है, रेंट आपका 1 महीने का ऑलरेडी ड्यू हो चुका है लेकिन आपने पे नहीं किया, तो उसको हम बोलते हैं arrears, राइट. तो ऐसे ही शेयर कैपिटल के चैप्टर में बेटे कॉल्स इन एरियर्स है. कॉल्स हमें पता ही है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की कॉल्स होती हैं. जो हमने कहा था कि टोटल फेस वैल्यू को जो हम इंस्टॉलमेंट्स में बांट देते हैं, वो इंस्टॉलमेंट्स क्या हैं बेटे, कंपनी की तरफ से कॉल्स हैं, है ना. अलॉटमेंट मनी हो सकती है, फर्स्ट कॉल मनी हो सकती है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी हो सकती है. तो पहले हम करेंगे बेटे मीनिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर्स. व्हेन द शेयर होल्डर डज नॉट पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल्स व्हेन इट इज ड्यू, कि जब कंपनी अलॉटमेंट मनी मंगवाती है, कॉल्स मनी मंगवाती है, ड्यू करती है, तब कोई भी शेयर होल्डर उस केस में पेमेंट नहीं करता ड्यू डेट पे, तब वो उसको क्या कहा जाता है बेटे, कि दीज आर कॉल्स इन एरियर्स. तो ये कॉल्स इन एरियर्स जो होती हैं कंपनी अपनी बुक्स में शो करती है, और कंपनी कॉल्स इन एरियर्स के ऊपर, क्योंकि आपको पेमेंट नहीं मिली है टाइम पर, कंपनी शेयर होल्डर से इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है. क्लियर है बच्चे. तो कितना परसेंट कंपनी ऑथराइज्ड है बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इट इज ओनली 10% पर एनम. क्लियर. बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस दिस इज नॉट इन योर सिलेबस. ये सिलेबस में है नहीं, लेकिन फॉर नॉलेज सेक, है ना. अगर आपको एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज चार्ज एट कॉल्स इन एरियर्स, इट इज 10% पर एनम, और ऐसे कॉल्स इन एडवांस पे क्या बेटे 12% पर एनम. कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी प्रोवाइड करती है, देती है शेयर होल्डर्स को, और कॉल्स इन एरियर्स पे 10% कंपनी जो है शेयर होल्डर से चार्ज करती है. ये दोनों ही इंटरेस्ट कैलकुलेशंस नहीं है आपके सिलेबस में, तो इतना ही सफिशेंट है इंटरेस्ट के रिलेटेड. तो हमने मीनिंग में क्या किया बच्चे, मीनिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर्स, कि जब शेयर होल्डर ड्यू कॉल को, ड्यू अलॉटमेंट मनी को पेमेंट नहीं करता, तो वो क्या बन जाती हैं, कॉल्स इन एरियर्स बन जाती हैं. कंपनी कॉल करती है और शेयर होल्डर उसको पे नहीं करता. कंपनी ड्यू करती है अलॉटमेंट, शेयर होल्डर पे नहीं करता. कंपनी कॉल्स को ड्यू करती है लेकिन शेयर होल्डर पे नहीं कर सकता, तो वो जो एरियर्स हैं दैट इज कॉल्ड एज कॉल्स इन एरियर्स. क्लियर. और इसके ऊपर कंपनी कितना चार्ज करती है बट इंटरेस्ट 10% पर एनम. इसी चीज को हम एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे, ठीक है. तो मेरी यहाँ पे लिखी हुई है स्टेटमेंट. जब भी कोई स्टेटमेंट होती है हम सॉल्व करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट जरूर लें बेटे आप, अपने साथ रखें सो एज टू इजी अंडरस्टैंड. हमारे पास एग्जाम्पल क्या है बेटे, सपोज एक्स लिमिटेड मेड ए फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन इट्स 10,000 शेयर. कहते एक्स लिमिटेड कोई कंपनी है, फर्स्ट कॉल कंपनी ₹2 की पर शेयर के हिसाब से मंगवा रही है, कॉल कर रही है, कितने शेयर्स के ऊपर, 10,000 शेयर्स के ऊपर. वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, मतलब टोटल 10,000 शेयर के ऊपर कंपनी ने फर्स्ट कॉल ₹2 के हिसाब से मंगवाई, उसमें से एक शेयर होल्डर निकल आया जिसके पास 500 शेयर्स थे, उसने हमें ये फर्स्ट कॉल के अमाउंट ड्यू टाइम पे नहीं दी. बट When the company made final call, फिर क्या हुआ, But when the company made final call of ₹3 per share, first call के बाद company ने final call की, है ना, due की, ₹3 की per share के साथ, he paid all his arrears. तो जो उसके first call के arrears थे ₹2 के हिसाब से बच्चे, वो उसने किसके साथ pay कर दिए, ₹3, जब आपकी final call due हुई, ठीक है. तो ऐसा कर सकते हैं ना कि company जब call करे, उस मोमेंट पे जब रिसीव करता है पैसा कंपनी उस कॉल का, वो पेमेंट नहीं कर रहा,
तो वो तो हो जाता है कॉल्स इन एरियर्स, लेकिन वही एरियर्स जो है शेयर होल्डर आगे जाके जब कंपनी कोई नेक्स्ट कॉल ड्यू करती है उसकी जो पेमेंट आती है तब उसकी पेमेंट एरियर्स की भी साथ में पे कर देता है, तो हम उसको रिसीव कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ है बेटे कॉल्स इन एरियर्स हम दो मेथड से करेंगे, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो अगर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर बाय चांस उन्होंने मेंशन किया हो कि बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट आप एंट्रीज दिखाइए तो आपको ये शो करनी पड़ेगी। इसी एग्जाम्पल को हम इन दोनों तरीके से सॉल्व करके देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। कैसे? विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट की कॉल्स इन एरियर्स का हमने जिक्र ही नहीं करना, इसके बिना ही हमने कर लेना सारा कुछ, और फिर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को ओपन करके। क्लियर हो गया बच्चे? तो मैं आपको एंट्रीज यहाँ पे दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना आपने। पहली एंट्री है बेटे विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ऑन मेकिंग फर्स्ट कॉल ड्यू। जब कंपनी फर्स्ट कॉल ड्यू कर रही है, फर्स्ट कॉल ड्यू का रेट क्या था बेटे? 2 रुपये पर शेयर। तो जब भी कोई कॉल ड्यू होती है हमें पता है बहुत सिंपल एंट्री होती है हमारी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बच्चे? अब हमारे पास जो एग्जाम्पल था उसी एग्जाम्पल को हम देखते हैं कि इसमें क्या अमाउंट आनी चाहिए। फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 ऑन 10,000 शेयर्स। तो यहाँ पे हमारा कितना ड्यू हो गया बच्चे? हम यहाँ पे साथ में लिख सकते हैं 10,000 × 2, 20,000। क्लियर हो गया? ऑन मेकिंग फर्स्ट कॉल ड्यू, हमने पहले कॉल को ड्यू करना है, ड्यू करने के बाद पेमेंट रिसीव होती है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कंपनी के 10,000 शेयर हैं, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल है, 20,000 ड्यू हो गया। क्लियर है बच्चे? अब उसके बाद हम दूसरी एंट्री क्या डालते हैं इसकी, ऑन रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल। पहले हमने ड्यू की फर्स्ट कॉल, अब हम क्या करेंगे इसको रिसीव करेंगे। आपको पता है कि जब भी कोई कॉल हम रिसीव करते आए हैं उसकी एंट्री क्या लिखते हैं बच्चे? बैंक अकाउंट डेबिटेड। जो चीज आ रही होती है उसको हम क्या कर देते हैं बच्चे? क्रेडिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब शेयर फर्स्ट कॉल कितनी थी? 20,000 थी बच्चे। क्लियर है? अब हमने कॉल्स इन एरियर्स नहीं कहीं लिखना, 20,000 की फर्स्ट कॉल थी। अब हमें मालूम है कि स्टेटमेंट क्या कह रही है हमारी कि 500 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, 2 रुपए की शेयर फर्स्ट कॉल जो है 500 शेयर्स के ऊपर नहीं आई। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, क्योंकि हमने कॉल्स इन एरियर्स ओपन करना नहीं, तो 500 × 2, 1,000 माइनस हो गया बच्चे। इसका मतलब बाकी तो सारा पैसा आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 90 टू शेयर फर्स्ट कॉल 90,000। ये हमने कैसे किया? विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, बाय मेकिंग फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरी अमाउंट जो है ड्यू कर दी बच्चे। फिर हमने क्या किया, ऑन रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल बिना कॉल्स इन एरियर्स दिखाए, लेकिन हमने माइनस तो कर दिए ना, ठीक है, मैंने यहाँ पे शो कर दिया कि 500 शेयर्स के ऊपर 2 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं दी शेयर होल्डर्स ने, टोटल अमाउंट फर्स्ट कॉल की 20,000 आनी थी, तो कितना आया 90,000। अगर यही मैं ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट करके करती तो क्या डिफरेंस आता है बच्चे? पहली एंट्री तो आपकी सेम जानी थी है ना, तो पहली एंट्री क्या है, ऑन मेकिंग फर्स्ट कॉल ड्यू, देर इज नो डिफरेंस। शेयर मैं शॉर्ट में एफ सी लिख रही हूँ, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट था बच्चे? 20,000। क्लियर है? इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं, दोनों जगह आपकी सेम एंट्रीज है, लेकिन जब हम दूसरी एंट्री दिखाएंगे एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द फर्स्ट कॉल मनी, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा बच्चे। बैंक अकाउंट डेबिटेड, अब हमने बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स करना है, तो जो कंपनी के पास अमाउंट नहीं आई ड्यू डेट पे जब कंपनी ने रिसीव की, तो कंपनी का तो लॉस हो गया ना बच्चे, तो लॉस जो है कंपनी की बुक्स में डेबिट ही होना चाहिए। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू, क्रेडिट तो सेम ही जाना है, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल के ऑपोजिट पूरी अमाउंट लिखेंगे हम 20,000।
कितने नहीं आए, हमने देखा कि 500 शेयर्स के ऊपर 2 रुपए की कॉल नहीं आई, तो इसका मतलब कॉल्स इन एरियर्स कितने हुए बचे, 1000। 20,000 में से 1000 माइनस कर देंगे तो कितना कंपनी के पास आ गया, 19,000। अब दोनों में सिमिलैरिटी देखो, कुछ लगता है आपको ऐसे 19,000 की अमाउंट इधर आई है, 19,000 की अमाउंट इधर आई है। फर्स्ट कॉल हमने 19,000 दिखाई, यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉल कितने की दिखा दी बच्चे, 20,000 की। तो आगे जाके क्लियर होगा आपको, तो 20,000 में से 1,000 एरियर थे, 19,000 आ गए। यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉल ही 19,000 लिखा, तो 19,000 हमने यहाँ पे रिसीव कर लिया। तो ये विदाउट कॉज इन एरियर्स अकाउंट है, ये बेटे विद कॉज इन एरियर्स अकाउंट है। ठीक है, क्लियर हो गया, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नौसी बचे थर्ड एंट्री जो हमारी विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स में है। अब क्या है, हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखने द्वारा से आपने स्क्रीनशॉट लिया, उसमें अगर आप पढ़ोगे उसमें क्या लिखा हुआ बच्चे कि बट व्हेन द कंपनी मेड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर ही पेड ऑल हिज शेयर्स। जब 3 रुपीज की फाइनल कॉल कंपनी ने मंगवाई तब उन्होंने जो फर्स्ट कॉल के एरियर्स थे 1,000 रुपये वो भी पे कर दिए। तो इसका मतलब हमें पहले फाइनल कॉल ड्यू करनी पड़ेगी। हम क्या लिखेंगे, ऑन मेकिंग फाइनल कॉल ड्यू। तो जब भी ड्यू करते हैं सिंपल एंट्री होती है हमारी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड क्रेडिट क्या होगी, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स हैं हमारे पास, 10,000 शेयर्स हैं, और फाइनल कॉल कितने हैं बेटे, 3 रुपए की। आप स्टेटमेंट देखो, 30,000 ड्यू हो गए, ये हमने ड्यू डाली है फाइनल कॉल की। ठीक है, लेकिन वो साथ ही कह रहा है कि जब इसको आपने रिसीव करना है, इसको रिसीव तो करेंगे ना, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल तो लिखेंगे ही लिखेंगे, क्योंकि वो रिसीव कर रहे हैं आप। फाइनल कॉल के आगे अमाउंट ही पूरी लिख लो, 30,000। अब इसके साथ जो पहले कॉल्स इन एरियर्स थे 1,000 रुपये जो हमने नहीं रिसीव किए थे, अब हमने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट तो ओपन किया नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल लिख देंगे यहाँ पे, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,000 रुपये, ये आ गया 30,000, ये आ गए टोटल। यहाँ पे कितना अमाउंट रिसीव किया कंपनी ने, 31,000। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है। जब फाइनल कॉल ड्यू करनी है, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 10,000 कंपनी के शेयर्स की बात हो रही है, 3 रुपए की फाइनल कॉल है, 30,000 ड्यू हो गया। फिर इसको रिसीव करना है फाइनल कॉल को, उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब फाइनल कॉल रिसीव किया कंपनी ने, तो जिन लोगों ने फर्स्ट कॉल 2 रुपए की 500 शेयर्स के ऊपर नहीं दी थी, वो फर्स्ट कॉल के अमाउंट जो है यहाँ पे फाइनल कॉल के साथ हम रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंट्री आ गई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल का 1,000 रुपये आया, 30,000 फाइनल कॉल का आया, टोटल अमाउंट जो है 31,000 आई। अब यही हम बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में अगर देखें तो क्या होता है, वही ऑन मेकिंग कॉल्स, ये तो एंट्री आपकी सेम है, मैं आपको इसलिए साथ साथ करवा रही हूँ बच्चे ताकि दोनों में डिफरेंस पता चल जाए। ऑन मेकिंग कॉल चुपचाप आप यही एंट्री लिख लोगे, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 30,000 के अमाउंट आपकी ड्यू बेटे। फोर्थ आपका क्या है बेटे, आपने रिसीव करना है फाइनल कॉल को, तो हम लिख सकते हैं ऑन रिसिप्ट ऑफ फाइनल कॉल। क्लियर, तो जब आप रिसीव करेंगे बैंक, तो आपने क्या करना है, डेबिट करना ही करना है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्रेडिट किसको करना है, जो फाइनल कॉल आपकी आ रही है फाइनल कॉल अकाउंट, और साथ में क्या आ रहा है बच्चे, फर्स्ट कॉल का अमाउंट। लेकिन क्योंकि हमने फर्स्ट कॉल की जगह क्या लिखा था, कॉल्स इन एरियर्स, है ना, जब आपने फर्स्ट कॉल रिसीव की थी तब उस टाइम आपने डेबिट किसको किया था, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब कॉल्स इन एरियर्स ही लिखेंगे। ठीक है, ताकि अकाउंट आपका क्लोज हो जाए। कितने के कॉल्स इन एरियर थे, 1,000। फाइनल कॉल कितनी की रिसीव होनी है, 30,000। फिर से कितना अमाउंट बैंक में आएगा बच्चे, 31,000।
1000, क्लियर है? तो ये आपकी है, व्हेन द कॉल्स इन एरियर्स इट इज विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट एंड बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, कि जैसे ही आपने कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट किया सेकंड एंट्री में फर्स्ट कॉल के टाइम, ठीक है, जब आपने रिसीव किया, तो फोर्थ एंट्री में जब फाइनल कॉल आप रिसीव कर रहे हो अलॉन्ग विद द कॉल्स इन एरियर्स, तो कॉल्स इन एरियर्स को क्रेडिट कर दिया, ऊपर डेबिट नीचे क्रेडिट, इसका मतलब ये इफेक्ट तो कैंसिल हो गया ना। ऐसे हमने यहाँ पे किया है बच्चे, कि ऊपर 1000 पे आपने कम लिया था, तो अब यहाँ पे 1000 जो है हमारा रिसीव हो रहा है अलॉन्ग विद द फाइनल कॉल। तो फर्स्ट कॉल की अमाउंट जो पहले भी हमने 19000 से क्रेडिट की थी, है ना, जब पहले रिसीव की थी, अब भी हम 1000 से क्रेडिट कर रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट कॉल आपका 20000 पूरा हो गया, ठीक है। अब बेटा अगर मान लो आपको एक नंबर में क्वेश्चन आ गया कि वेयर टू शो कॉल्स इन एरियर्स इन द बैलेंस शीट, आ सकता है ना एक नंबर में कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हैं, तो डू रिमेम्बर बच्चे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट कहाँ पे शो किया जाता है, ये एज ए डिडक्शन शो करते हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखना, एज ए डिडक्शन किस में से, फ्रॉम द अमाउंट of subscribed but not fully paid up, ठीक है, उसमें से हमने इसको एज ए रिडक्शन दिखा देना है, और किस हेड के अंडर आता है, मेन इसका हेड क्या है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, हमने डिस्क्लोजर ऑफ कैपिटल इन द बैलेंस शीट करना है, तब हम ये क्लियर करेंगे। So next it is calls in advance. अब हमने बेटे next topic जो पढ़ना है इसी के अंदर, आज की डेट में हमने calls in advance. Calls वही हमने बात की कि कंपनी जो है different different installments भगवाती है, उनको हम calls का नाम दे देते हैं, first call, final call, allotment money, है ना, application money. तो अगर मान लो कि कंपनी की कोई कॉल, अगर मान लो सेकेंड कॉल फर्स्ट कॉल के साथ एडवांस में आ गई, फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट मनी के साथ आ गई, अलॉटमेंट मनी एप्लीकेशन के साथ आ गई, तो वो क्या कहलाती है बच्चे, कॉल्स इन एडवांस कहलाती है, है ना। भी कोई भी चीज कंपनी ने कॉल नहीं की, अभी कंपनी ने मंगवाई नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसको पहले ही पे कर दिया, हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना रहे, हम अपनी बार बार उसको पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहते हैं, ठीक है ना, कि बॉदरेशन होती है, नंबर ऑफ टाइम्स हमें कॉल्स ड्यू होती है, नंबर ऑफ टाइम्स हमें पे करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं उसको एक ही बार में एडवांस में पे कर देते हैं। तो एडवांस में पे करने का ही बेटे हो सकता है कि आप पर्टिकुलर कॉल एडवांस में पे कर रहे हो सकता है कि आप सारी की सारी अमाउंट एक इंस्टॉलमेंट के साथ पे कर रहे हो, तो ये क्या है, कॉल्स इन एडवांस, इसका मीनिंग करेंगे हम पहले, व्हेन शेयर होल्डर पे द कॉल ओन, व्हेन शेयर होल्डर पे द पे ए कॉल और होल अमाउंट बिफोर इट इज कॉल्ड बाय द कंपनी, जब कंपनी कॉल करती है उससे पहले ही कोई शेयर होल्डर पे कर दे किसी और कॉल के साथ, तो वो क्या कहलाती है बेटे, कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस जो है इसमें भी अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अथोराइज करे कंपनी को, तो कंपनी जो है इंटरेस्ट प्रोवाइड कर सकती है टू द शेयर होल्डर्स, यहाँ पे कंपनी देगी कितने परसेंट पे बेटे, 12% पर एनम, कॉल्स इन एरियर्स पे चार्ज करती 10% पर एनम, और कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी पे करती है 10% पर एनम, दोनों ही केसेस में क्या बेटे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू ये अलाउड होता है, अथोराइज होता है कंपनी को, क्लियर है। तो कॉल्स इन एडवांस का भी हम करेंगे थोड़ा सा कंसेप्ट बेटे क्लियर आपको, कि इसकी एंट्रीज क्या होती हैं। तो पहली एंट्री है बेटे, व्हेन द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस रिसीव्ड, ठीक है, ऐसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपने मान लो कोई सेकंड कॉल जो है फर्स्ट कॉल के साथ रिसीव की, तो जब आप रिसीव करते हो पहले वो एंट्री डालोगे, रिसीव करते वक्त आपकी एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू calls in advance account, है ना, कि जो भी आपने अमाउंट एडवांस में रिसीव की उसको हमने एंट्री में डाल दिया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू calls in advance account, क्लियर है। तो यहाँ पे हम अगर लिखेंगे निरेशन क्या लिखेंगे, calls received in advance, क्लियर हो गया बच्चे ये वाला। फिर उसके बाद
हमने व्हेन द अमाउंट ऑफ व्हेन द अमाउंट बिकम्स ड्यू ऑन ए कॉल ऑन ऑल सेव कर लिया एडवांस में किसी कॉल को किसी और कॉल के साथ, तो ये वाली कॉल जब ड्यू करनी है वो सारे शेयर्स के ऊपर करनी है ना, तो शेयर्स पे कॉल ड्यू करने की एंट्री सिंपल है, शेयर कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एक तरह से मैंने रिलेशन लिखी हुई है कि जब शेयर कॉल ड्यू होती है ऑन ऑल द शेयर्स, तो यहाँ पे हम जितनी अमाउंट होगी बेटे वो लिख देंगे टोटल अमाउंट ड्यू ऑन पर्टिकुलर कॉल। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है बेटे, इसी को हम आगे करते हैं कंटिन्यू। सेट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। सो नेक्स्ट वी हैव व्हेन कॉल्स इन एडवांस अमाउंट एडजस्टेड। अब जो कॉल हमने ऊपर रिसीव की है एडवांस में बेटे, और हमने उसके बाद कॉल को ड्यू किया, अब उसको एडजस्ट करना है, ठीक है? तो अभी एडजस्ट करने की एंट्री में यहाँ पे लिखने लगी, थोड़ा स्पेस कम है मेरे पास, चलो कोई बात नहीं। बैंक अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पे क्योंकि हमने कॉल्स इन एडवांस को ऊपर क्या किया बेटे, क्रेडिट किया है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा क्लोज करने के लिए इसको, डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। मैं इसका एक क्वेश्चन करवाऊंगी आपको क्लियर हो जाएगा। तो व्हेन कॉल इन एडवांस अमाउंट इज एडजस्टेड, जो हमने पहले अमाउंट एडजस्ट रिसीव की है एडवांस में बेटे बिफोर द कॉल एक्चुअली ड्यू, तो वही चीज़ अब यहाँ पे हम एडजस्ट करें, क्योंकि जब कॉल ड्यू हुई उसके बाद रिसीव करना होता है, तो हम रिसीव करने लगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट तो आना ही आना है, साथ ही हम किसको डेबिट करेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस जो हमने पहले क्या की थी बच्चे, क्रेडिट की थी, अब हमें क्या करना पड़ेगा क्लोज करने के लिए इसको, डेबिट। क्लियर है? नाउ वी विल जस्ट डू वन क्वेश्चन। ऑन 1st January 2019 एक्स लिमिटेड रिसीव्ड इन एडवांस द फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज 2 पर शेयर। कहते हैं एक्स लिमिटेड कंपनी है, 1 जनवरी 2019 को इस कंपनी ने पैसा रिसीव किया एडवांस में, किस चीज़ का, फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल कितने की, 2 रुपये पर शेयर की, ऑन 10,000 शेयर, 10,000 शेयर के ऊपर 2 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल कंपनी ने पहले मंगवा ली, सॉरी पहले रिसीव कर ली। द फर्स्ट कॉल वॉज ड्यू ऑन 15 February 2019, जबकि उसने ड्यू कब होना था, 15 February को, आ कब गई है ये अमाउंट आपके पास, 1 January 2019 को। तो अब क्या करेंगे बच्चे, जनरलाइज द अबव ट्रांजेक्शंस एंड ट्रांसफर द एडवांस टू फर्स्ट कॉल अकाउंट बाय ओपनिंग इन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। सिंपल है, तो हम इसकी देखेंगे क्या एंट्री होंगी बच्चे, कि कॉल्स इन एडवांस अकाउंट जब हमने ओपन करना है तो व्हाट एंट्रीज वी नीड टू पुट इन। अब आप देखिए ध्यान से, स्टेटमेंट एक बार पढ़ लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे अगर आपको लगता है कि इसकी जरूरत है। डेट अगर दी हो तो लिखनी है, अगर नहीं दी हुई तो नहीं लिखनी, ठीक है। 1st January 2019 को पहले अमाउंट रिसीव करने की एंट्री दिखाओगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्या आ रहा है बच्चे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कितनी है अमाउंट, 10,000 शेयर हैं, 2 रुपये की, ये देखो 2 रुपये की फर्स्ट कॉल है, इसका मतलब 20,000 एडवांस में कंपनी के पास शेयर होल्डर्स के आगे, ये क्लियर हो गई एंट्री बच्चे। उसके बाद हमने क्या करना है, वो अमाउंट जो थी ड्यू डाल दो, ड्यू की एंट्री जब डालनी है आपने, उससे पहले आप क्या करेंगे, अमाउंट जो है आपकी ये ट्रांसफर हो जाएगी बच्चे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर है बच्चे? तो कितना अमाउंट आपने एडवांस में लिया, 20,000, ये फुल हमने ड्यू नहीं किया, सिर्फ हमने सिर्फ कॉल्स की बात की है, कि पहले कॉल्स एडवांस में आ गई, फिर वो कॉल्स इन एडवांस जो है
पर्टिकुलर कॉल के अगेंस्ट हमने एडजस्ट कर दी। तो कॉल्स इन एडवांस पहले हमने क्या किया था बच्चे, क्रेडिट रिसीव करते वक्त, तो जब आपकी एडजस्ट की हमने तो इसको क्या करना पड़ा हमें, डेबिट। क्लियर हो गया। तो ये है आपकी कॉल्स इन एडवांस की एंट्री। अब आ जाती है बात बच्चे कि इसको अगर हमें बैलेंस शीट में दिखाना है तो इसको कहाँ दिखाना है। याद रखना बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंडर ही आता है ये भी, ये मेन हेड है ही है आपका, उसके अंडर आपका करंट लाइबिलिटी के अंडर अदर करंट लाइबिलिटी में आपने इसको शो करना है। ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, कॉल्स इन एरियस, कॉल्स इन एडवांस। इसको प्रैक्टिस करिए, कुछ नहीं समझ में आया कमेंट में लिखिए, मैं उसको क्लियर करूंगी नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।